बोट की ओर से आने वाले दो मिड रेंज ईयरफोन्स जो अपनी अपनी फील्ड में थोड़े एक्सपर्टीज लेके आते हैं एंड आपको कौन सा परचेज करना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक कंपैरिजन है प्रीमियर फोन्स वर्सेस 131 एलाइट एएनसी। सबसे पहला पॉइंट है इनकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी से हम जज करेंगे ना कि इनके लुक डिजाइन से। तो अगर बात करें सुप्रीम की तो यार काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन लेके आता है। बोट की ब्रांडिंग आपको मिलती है, उसके नीचे एलईडी इंडिकेटर, बॉटम पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ एक रीसेट बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन क्रिएट किया गया जिससे ये और बेटर दिखे। मिनिमलिस्टिक डिजाइन यहाँ पे है एंड मैट फिनिश दी गई जो कि लेस स्क्रैच अट्रैक्ट करेगी। अदर साइड बात करें 131 एलाइट एएनसी की तो यहाँ पूरी ग्लोसी फिनिश आपको मिलती है। बोट की ब्रांडिंग, उसके नीचे एक स्माइली टाइप का कटआउट निकाला है, देन एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है, बॉटम पे वही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ एक रीसेट बटन मिल जाता है। ये ग्लोसी फिनिश है, थोड़ा बड़ा चार्जिंग केस आपको मिलता है 131 एएनसी का। सो फॉर द बिल्ट सुप्रीम यहाँ पे बेटर है कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ, अब बेटर एंड एक प्रैक्टिकल डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कंफर्ट के हिसाब से भी यहाँ पे अगेन मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम यहाँ पे विनर है, बिकॉज जो कंफर्ट लेवल आपको मिलता है वो यहाँ पे काफी बढ़िया मिलता है एंड ये आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं कंपेयरिंग टू 131 एलाइट एएनसी। सो कंफर्ट तो बेटर मिल जाता है बट बेटर आईपी रेटिंग यहाँ पे नहीं मिलती, आपको जस्ट IPX 4 की रेटिंग मिलती है एंड 131 एलाइट एएनसी में IPX 5 मिलता है, तो वो बेटर वाटर से रेजिस्टेंट है एंड आप उसको माइल्स प्लस के साथ भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट की जो ऑडियो क्वालिटी होती है, साउंड क्वालिटी होती है, वो उसका मेन पार्ट होता है एंड अगर वही पार्ट अच्छा नहीं है देन अदर फीचर्स इतना मैटर नहीं करते। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर साइज, 131 एलाइट एएनसी यहाँ पे विनर है। आपको 13mm की ड्राइवर्स मिल जाते हैं विद बोट सिग्नेचर साउंड, बट जहां पे क्लैरिटी पे आती है ना बात, तो सुप्रीम आपको बेटर क्लैरिटी के साथ बेटर बेस प्रोड्यूस करता हुआ देखने मिलता है। मतलब जो ऑडियो यहाँ पे प्रोसेसिंग है वो आपको वे बेटर मिलती है कंपेयरिंग विद 131 एलाइट एएनसी। सो रीजन यहाँ पे एक है क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल ऑडियो इफेक्ट मिलता है जो कि 24-bit बेस्ड है एंड जिससे ऑडियो क्वालिटी बेटर आपको मिलती है एंड इसकी वजह से 131 को ये इजीली बीट कर देता है। साथ साथ एप्लीकेशन सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है सुप्रीम ईयरफोन्स में, तो हल्का फुल्का जो कस्टमाइजेशन है वो आप कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो को इनेबल डिसेबल करना, उसके साथ आप आते हैं बटन कंट्रोल्स में, तो आप बटन कंट्रोल कस्टमाइज कर सकते हैं, इन ईयर डिटेक्शन इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी में सुप्रीम पे विनर है, सेम 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है बट यहाँ पे आपको एप सपोर्ट एंड ड्यूअल पेयरिंग दो फीचर्स बेटर मिलते हैं जो डील ब्रेकर हो सकता है काफी लोगों के लिए। इन ईयर डिटेक्शन का फीचर्स दोनों के दोनों ईयरफोन्स में अवेलेबल है एंड वर्क दोनों में ही काफी बेटर करता है काम। बट एक चीज आपको 131 एएनसी में बेटर मिलती है वो है इसकी 32 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। चाहे वो वेरी बेसिक लेवल हो, 32 dB जितना परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पा रही हो, बट स्टिल एएनसी तो है एंड वो वर्क करती है अप्रोक्स 25 dB तक एंड जहां पे एम्बिएंट मोड आपको मिलता है एएनसी आपको मिलता है। तो जो दो फीचर्स हैं एम्बिएंट एंड एएनसी, ये आपको बेटर मिलता है। तो अगर आपका फोकस एएनसी पे है ज्यादा साउंड से, देन आप इसको प्रेफर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अब बीस्ट मोड को लेके बात करें तो दोनों ही ये फोन आपको बीस्ट मोड प्रोवाइड करते हैं एंड 65 ms की लेटेंसी आपको मिल जाती है। दोनों में गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर है, इट विल फील लाइक 50 ms, तो गेमिंग में कोई दिक्कत आपको कोई भी ईयरफोन्स नहीं देगा। तो गेमिंग कर रहे हो या फिर मूवीज देख रहे हो डिले नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इलाइट वाले ईयरफोन्स में, वहां पे सेपरेशन को लेकर थोड़ी दिक्कत आती है। जो आप पबजी BGMI या फिर COD टाइप की गेम खेलते हैं वहां पे आपको दिक्कत फेस हो सकती है। नाउ बैटरी बैकअप में आपको इलाइट वाले ईयरफोन्स बेटर मिलते हैं बिकॉज यहाँ पे 60 आवर का ओवरऑल बैटरी बैकअप है अलोंग विद द चार्जिंग केस। सुप्रीम आपको जस्ट 50 आवर का बैटरी बैकअप देते हैं जस्ट, में भी थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप आपको मिलता है एंड ये आप करीबन एक हफ्ता यूज कर सकते हैं, इनको एक दो दिन और ज्यादा मान लीजिए उतना आप यूज कर पाएंगे। दोनों ईयरफोन्स प्रैक्टिकल या फिर डेली यूज में आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे इन टर्म्स ऑफ बैटरी, काफी बढ़िया बैटरी आपको दोनों ही ईयरफोन्स में मिल जाती है। बट या अगर आपको और लॉन्ग लास्टिंग ईयरफोन्स चाहिए देन 131 एलाइट एएनसी आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब माइक्रोफोन की तरह दोनों क्वाड माइक्रोफोन सेटअप लेके आते हैं विद ENX टेक्नोलॉजी एंड दोनों को ही मैंने टेस्ट किया अंडर द सेम कंडीशन, तो दोनों का माइक्रोफोन ये रहा, डिसाइड कर ले एक बार। तो बस 4 mic होने के बाद किस स्टेप का आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी देखने मिलती है अगर बात करते हैं 131 एलाइट एएनसी की, एंड जो माइक्रोफोन है वो 4 सेटअप आपको मिलता है जो उसके बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बट ये है कुछ एनवायरमेंट में इसका माइक्रोफोन टाइप जो आप देख सकते हैं। सो बोथ एट ऑफ सुप्रीम और काफी सुप्रीम ईयरफोन्स अगर मैं बात करता हूँ फीचर एंड फंक्शन की, तो काफी कमाल के फीचर एंड फंक्शन दिए गए हैं वो भी अंडर बजट रखी गई सारी चीजें। यहाँ पे क्वाड माइक्रोफोन का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है अगर आप बात करें ऑडियो क्वालिटी की ऑडियो कंडीशन में, तो यहाँ पे मिनिमल से नॉइज के साथ हल्का फुल्का वॉइस के साथ ये है माइक्रोफोन टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी आपको मिल जाएगा, ओवरऑल को
नाउ अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपके लिए ऑडियो मैटर करती है जो कि एक ऑडियो प्रोडक्ट में मेन फोकस होना चाहिए कि किसी भी यूजर का, तो सुप्रीम ईयरफोन सबको बेटर डील देते हैं। बेस क्लैरिटी ट्रबल एवरीथिंग यहाँ पे आपको बेटर मिल जाते हैं कंपेयरिंग टू 131 इलाइट एएनसी। उसके साथ जो एड ऑन पॉइंट्स हैं डुअल पेयरिंग इन ईयर डिटेक्शन एयर सपोर्ट, ये आपको बेटर मिल रहे हैं विद बेटर गेमिंग। बट अगर आपके लिए एएनसी मैटर करती है, वो प्रायोरिटी है ओवर ऑडियो, तो आप 131 इलाइट एएनसी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे 32 dB के एक्स्ट्रा नॉइस कैंसिलेशन है विद बेटर बैटरी बैकअप एंड एज अ सेट जो लुक डिजाइन है वो इनका सब्जेक्टिव है। तो आप मेरे को बताइए कौन सी आपकी चॉइस होने वाली है यहाँ पे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है, वैल्यू मिली है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।